तो मैं आप लोगों को बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने इस बोर्ड का रिव्यू किया था, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर जो है हमारा 5 वोल्ट जो कि इस कार्ड को चलाने के लिए हमें होता है वो सिस्टम इसके अंदर जो है 5 वोल्ट का नहीं है। उसे जो हम लोग 5 वोल्ट का जो है वो कैसे निकालेंगे उसे जो है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके लिए जो होता है हमें एक 7805 ये एक आईसी होती है रेगुलेटर जो कि यहां से जो है 12 वोल्ट देने पे इधर 5 वोल्ट निकालती है। जैसे कि मैं बता दूं यहां पर जो है पिन नंबर 1, 2, 3 पिन नंबर 1 पे 12 वोल्ट प्लस और पिन नंबर 2 पे जो है वो 12 वोल्ट माइनस और यहां से हम लोगों को 5 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका कनेक्शन हम लोगों को कैसे करना है, देखिए हमें जो है इस लेग को उठा लेना है क्योंकि इस लेग से हमें 5 वोल्ट चाहिए। तो इस लेग को उठा लेंगे और इस बोर्ड में देखेंगे कि कहां पर प्लस है और कहां पर माइनस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं या फिर सीख रहे हैं तो जान लीजिए ये कैपेसिटर का सिरा होता है जो इस पे माइनस ऑलरेडी लिखा रहता है। देखिए सभी पर माइनस लिखा है, जिधर ये पट्टी बनी हुई ये होता है माइनस और ये वाली लेग जो होता है प्लस, तो यहां ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लेग जो है बीच वाली लेग इसकी माइनस होती है और ये लेग प्लस होती है। तो हमें जो है किसी न किसी जरिए या फिर डायरेक्ट बोर्ड में या फिर किसी वायर के जरिए या बीच वाली लेग को यहाँ पर लगाना है और इस वाली लेग को यानी कि एक नंबर लेग को इस पर लगाना है। तो चलिए हम लोग इसका एक जुगाड़ और एक रास्ता बनाएंगे हम लोग और आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ट्रेसिंग सीख लीजिए कैसे ट्रेसिंग करते हैं। यहाँ पर जो है देखिए ये जो है यहाँ पर मैं टर्न करूंगा ऐसे, तो देखिए ये माइनस वाला था हम लोगों का ये वाला, तो ये लेग है तो यहाँ पर ये लेग माइनस की है। ठीक है, और ये वाली लेग जो है वो प्लस की हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए ये वाली लेग जो है विपरीत उसके उल्टा यहाँ पर ये प्लस हो जाएगी। तो जैसा कि प्रिंट देख लीजिए आप लोग, ये जो है हमारी प्लस की प्रिंट है और ये जो है हमारी माइनस की प्रिंट हो जाती है। माइनस की प्रिंट कैसे होती है, यहाँ से जो है ये प्रिंट यहाँ पर नहीं गई हुई है बट एक रीजन है, यहाँ से जो है वो जम्पर करके देखिए यहाँ से जो है जम्पर करके यहाँ पर गई हुई है, यानी कि ये ग्राउंड है ये माइनस। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ये देखिए ये जम्पर यहाँ से लगा करके गई है, इस वजह से ये क्या हो जा रहा है अपना हमारा ये माइनस हो जा रहा है और ये प्लस हो जा रहा है। तो ठीक इसके उल्टा हम लोगों को यहाँ पर जो है देखिए दो छेद हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, सॉरी अगर मैंने देखा नहीं उधर से चेक कर लेंगे हम लोग। और आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट लगाना तो यहाँ पर जो है बीच वाली लेग लगाएंगे 7805 की और यहाँ पर जो है एक नंबर लेग लगा देंगे। ठीक है, और डायरेक्ट भी कनेक्शन कर लेंगे। तो हम जो है यहाँ पर कनेक्शन करेंगे ताकि वो जो है वो हमें दिखने में अच्छा लगे और थोड़ा प्रोफेशनल लगे। तो चलिए इसे जो है हम लोग आपको बताते हैं, हम लोग एक पिन की मदद से जो है इसमें छेद कर लेंगे। देखिए हम लोग जो है यहाँ पर इस होल को छेद कर लेंगे एक पिन या सुई की मदद से ताकि हम लोगों का वायर अंदर से बाहर आराम से लग जाए, जो भी पिन होंगी हमारी वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर हो जाए। देखिए मैं जो है दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो है हमारा प्लस वाला हो जाता है और ये माइनस, यानी कि ये वाला माइनस हो जाएगा यानी बीच वाली लेग जो है वो इधर आएगी कुछ इस तरह और ये जो है लेग ऐसे। ठीक, कहीं भी बॉडी में टच ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना है इस तरह से। शायद रिक्सबल होगा बट हम लोग इसे रिक्सबल नहीं बनाएंगे, ध्यान से काम करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो है हमारा ये लग जाता है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन लगा लेंगे और आपको 5 वोल्ट चेक करके दिखाएंगे भी। तो इस तरह से जो है हम लोग इस पे सोल्डरिंग कर लेंगे। यह एक नई बोर्ड है, मैंने इसका रिव्यू भी आप लोगों को दिया हुआ है, उसका भी रिव्यू देख लीजिए कैसे हैं। तो देखिए हमारा ये पूरा फिक्स हो गया। अगर इस पे चाहें तो आप लोग हीट सिंक लगाना चाहें तो हीट सिंक भी लगा सकते हैं, मैं अभी हीट सिंक नहीं लगाऊंगा, अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर जो है इसका वोल्टेज चेक करा दूँ, यहाँ पर जो है मैं 12 वोल्ट ले रहा हूँ तो आप भी 12 वोल्ट ले लीजिएगा क्योंकि ये 12 वोल्ट से ही चलता है। और हम लोग 12 वोल्ट कहाँ पर देंगे, यहाँ पर दे सकते हैं, मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैंने 12 वोल्ट दे दिया। अब जो है मल्टीमीटर से मैं आप लोगों को वोल्टेज चेक करा के दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करा दूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ 12 वोल्ट हमें एक्यूरेट मिल रही है, अब हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें जो है एक ग्राउंड से लेना होता है एक वायर, और एक वायर जो है हमें ग्राउंड से लेना होता है ऐसे यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 4.93 आ रहा है, यानी कि हमारा कार्ड चल जाएगा।
फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है एकदम ईजली और आसानी तरीके से आप लोग इसका कनेक्शन कर पाएंगे और अपने जो है किसी भी बोर्ड में बहुत ईजली इस तरह से ट्रैक करके यहाँ से कि ये वाला माइनस वाला सिरा होता है, वो प्लस होता है, तो बीच वाला लेग जो है ये माइनस है, ये प्लस है 12 वोल्ट का, तो ऐसे जो है आप लोग दे करके कनेक्शन कर पाएंगे और बहुत ही ईजली आप लोग रन करा पाएंगे। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है जब इस तरह की चीज़ें जो हैं इसके अंदर बोर्ड के अंदर नहीं दी होती है और सप्लाई बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है आने वाली है इसकी फुल वायरिंग के ऊपर आने वाली है। तो जब मैं इसके ऊपर वायरिंग करूंगा तो मुझे जो है वो कार्ड चलाकर भी दिखाना होता है आप लोगों को, तो इसीलिए मैंने पहले 5 वोल्ट बना लिया और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया ताकि आप लोगों को 5 वोल्ट बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो अगर कहीं से भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।